ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर गोपाल कुमार, स्कोर 164, हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर पेरेंट्स एंड फैमिली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड नॉट माय ओनली नॉट माय फैमिली, आल्सो सेरेबेलम फैमिली सर। मोस्टली मोस्टली आई आई लास्ट टाइम सर आई जस्ट स्टक 164, और सॉरी 146 लास्ट ओके। टाइम। एंड आई कांट से सर बिकॉज ऐसा ऐसा, कैन आई टॉक टू इन हिंदी या अंकल? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे। लास्ट टाइम मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जब मेरे लास्ट टाइम 20 जनवरी को पेपर थे, और मैं सर 18 दिसंबर को मैं एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में डेंगू में, और मैं उस टाइम भी सेरेबेलम टीम का ही फैमिली था, और उस टाइम मेरी सर्जरी की क्लास चल रही थी, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था सर। यहाँ तक कि मैं 20 दिन तक लगातार एडमिट था हॉस्पिटल में ओ उस टाइम पे, और फाइनली आई एम डिस्चार्ज 6 जनवरी। सो उसके कारण मैं लास्ट टाइम 146 पे स्टक हुआ था। बट सर टू थिंग दिस टाइम, एक आपका पीएसएम और एक सर का गोगा जी गोविंद राय गर्ग सर का फार्मा फार्मा मेरा सर इस बार भी सबसे बिगेस्ट पोर्शन था, क्योंकि जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट सेकेंड प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मैं एकदम बिल्कुल डिस्टेबलाइज था सर मेंटल से, तो मैं क्लास ही स्टार्ट नहीं कर पाया था। लेकिन सर इनका जो लास्ट का जो मैराथन लगा था, मतलब मैंने फार्मा में सर 80% स्कोर किया हूँ अरे वाह। उसमें से, और सारे क्वेश्चंस उस सिर्फ मैराथन से डील हुए सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मेरे लिए मतलब गेम चेंजर वही था सर उस टाइम पे, जब मैं पेपर फर्स्ट पार्ट जब देना स्टार्ट किया था। और सेकेंड सर मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा, मैं आपका पीएसएम लास्ट के 3 घंटे में रिवाइज करके सोया था पेपर से एक दिन पहले, जो पांच अच्छा, था इस बार 5 जुलाई का जो डेट था, हाँ, सिर्फ मैंने उस दिन पीएसएम किया था, और ओके। मैं पीएसएम से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। दैट्स वाई मेरे पीएसएम में 32 में से 28 ठीक हुए क्या बात है, क्या उसमें से। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर गोपाल, हमने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, मैं पूछना भूल गया। पहले तो अपने बारे में, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ मुझे। तो मैं तो पहले बताऊंगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं अभी जब तक जब आपसे सिर्फ फेस टू फेस क्लास किया था ऑनलाइन, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, आई कांट से। तो सर मैं एक्चुअली पढ़ाऊँ यूक्रेन से सर, लवीव नेशनल डेनिले होलिस्की लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। ओके। 2017 में मैं इनटेक किया था, और 23 में मैं पास आउट होके आया था वहां से। ओके। और सबसे टफ जर्नी थी सर जब वॉर स्टार्ट हुआ था और हम लोग फाइनल ईयर में इंटर करने वाले थे। इट्स अ टफ ओके, टाइम, आई कैन बट इमेजिन। हमने 5 दोस्तों ने मिलकर सर वहां पे वापस गए, क्योंकि हमें पता था कि कुछ अगर लास्ट ईयर हम लोग ने ऑफलाइन नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे साथ। तो हमने बहुत मुश्किल से वहां पे लास्ट ईयर हमने 8 महीने बहुत मुश्किल से झेले हैं नहीं, बिल्कुल वहां पे। बिल्कुल। तो और इसीलिए सर मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये मेरा अकेले का एफर्ट नहीं है, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, ये सेरेबेलम टीम के कारण हुए हैं। और आप मीन्स स्पेशली आप सर लास्ट में मोटिवेट करते थे ईच एंड एवरी डे क्लास। और सेरेबेलम का जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो बीच का जो टेस्ट वाला, एक बात पूरा पढ़ाया आपने और बीच में जो टेस्ट एक करवाया कि आप सेल्फ स्टडी करो और टेस्ट दो, इट्स अ बेस्ट थिंग कि वो 1 महीने का टाइम मिलता है आपको प्रॉपर, आपने जो रीड नोट्स बनाए आप उसको रीड आउट करो। तो वो 2 2 दिन 1 1 दिन का जो शेड्यूल था प्रवीण त्रिपाठी सर ने बहुत अच्छे से वो मैनेज करके बनाया था, तो वो बहुत बेनिफिशियल और बूस्टअप था वो चीजें। और लास्ट में सर मैराथन, इट्स अमेजिंग। ओके। अच्छा डॉक्टर गोपाल, अगर सोचो आपका तो एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन कितने हजारों स्टूडेंट होंगे जिनका इस बार नहीं हुआ, या वो अगली बार देंगे, या कोई फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे, जी सर, उनको अगर आपको बताना है कि कैसे प्रिपेयर करके दिसंबर वाले एग्जाम में क्लियर करके दिखाना है, तो क्या उन्हें समझाना चाहोगे? मैं बस 3 चीज बोल सकता हूँ सर उसमें मेरे हिसाब से। पहला, आप जिस सोर्स को यूज कर रहे हो टिल एंड तक आप उसी सोर्स को यूज करो, इट्स बिल्कुल। डजेंट मैटर कि वो कितने पेज का नोट्स है, कितना कंटेंट है, क्या है, ये इरिस्पेक्टिव हो जाता है सर एंड टाइम पे। दूसरा चीज, आप हमेशा पीवाईक्यू जरूर किया करो। PYQ सर इस बार ये जो जुलाई वाला था अटेम्प्ट था, इसमें PYQ गेम चेंजर था। मेरे
मेरे समझ से कम सर 82 क्वेश्चंस, मतलब मैं प्रिसाइजली बोल रहा हूँ, 82 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट टिक हो सकते थे, डायरेक्ट मेरा। और तीसरा था कि आप जरूर सेरेबेलम को फॉलो करो। उसका कारण ये है, सेरेबेलम को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके क्लास आवर ड्यूरेशंस बहुत कम होते हैं आपके, एंड वैसे टाइम पे क्लासेस लगते हैं जब आपका टाइम सबसे ज्यादा बर्बाद होता है, शाम का टाइम, और आपको पूरा दिन फ्री मिलता है आपको पढ़ने के लिए। तो मेरा शेड्यूल ये होता था सर कि लास्ट क्लासेस अप्रोक्स 11 o'clock पे लगभग एवरेज सारे क्लासेस खत्म होते थे, 10:30 और 11 के आसपास। उसके बाद 2 घंटे मैं सिर्फ उस दिन का ही नोट्स पढ़ता था जो उस टाइम क्लासेज में पढ़ाया गया था, और सुबह में एक बार फिर रीड मारता था और उसके PYQs करते थे। तो ये 3 चीजें थी जो शायद मुझे यहां तक लेके आई। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर गोपाल, आपकी मेहनत और आपने जो एफर्ट मारे हैं ना, वो भी आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं स्टूडेंट्स जो आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे, हजारों स्टूडेंट्स, उनके लिए समराइज कर देता हूँ डॉक्टर गोपाल कुमार ने क्या बताया आपको। डॉक्टर गोपाल कुमार ने आपको बताया कि एक तो आप लाइव सेशंस को ना यूटिलाइज करो, क्योंकि वो उस दिन के टाइम पे होते हैं जो आपका वेस्ट हो सकता है, उसको पूरी तरीके से यूज करो। यस सर, इसके अलावा एग्जामिनेशन एंड डिस्कशन जो होते थे क्लासेस के बाद, उसके स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल का पूरा फायदा उठाओ। मैराथन सेशंस जो बाद में होते हैं, उसमें आप पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन्स करो। PYQ पे फोकस रखना है आप। और पांचवा, इन्होंने बताया कि आप सेरिबेलम को सोर्स की तरह यूज करो, उसे पूरी तरीके से ट्रस्ट करके यूज करो। यस सर, मतलब डॉक्टर गोपाल को तो फार्मा PSM से फायदा हुआ, लेकिन डॉक्टर गोपाल को किसी सब्जेक्ट में क्या डर लगता था एग्जाम से पहले? यस सर, वो सबको सबसे डर लगता है, मुझे लगता है वो मेडिसिन था। अच्छा, ओके, मेडिसिन से। और सर टू बी ऑनेस्ट, मेरा सबसे बिगेस्ट, और मैं ये तो पता नहीं बोल पाऊँ या नहीं, मैं एनाटॉमी से भाग गया था इस बार भी। मैंने अच्छा लास्ट में सिर्फ मैराथन ही एनाटॉमी का किया था। अच्छा ओके ओके हाँ, बट उसमें भी मैंने 70% स्कोर किया हूँ सर, क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे को PYQ मतलब जो रिटेन हुए हैं, तो 9 क्वेश्चंस में 6 उसमें से भी सही थे। क्या बात है, तो बहुत। मुझे लगा कि वो मेरे को ठीक लगा, वो मैराथन ही मेरे लिए बेस्ट था, वो पार्ट वो। ओके, तो तो डॉक्टर गोपाल इस वक्त कहाँ पे बैठे हुए हैं? सर मैं दिल्ली में ही हूँ, अपने कमरे पे ही हूँ जहां से मैं सेरेबेलम का डेली क्लास अटेंड करता था। क्या आप इस वक्त गौतम नगर में बैठे हो? नहीं सर, मैं गौतम नगर में नहीं हूँ, मैं उत्तम नगर में रहता हूँ। गौतम नगर में मैं पहले बार में था, जहां से मैं बीमार पड़ा था तो मैं शिफ्ट हो गया था वहां से, क्योंकि तो मुझे उत्तम नगर में कौन से बिहार में रहते हो? मैंने सारा उत्तम नगर देखा हुआ है दोस्त। उत्तम नगर वेस्ट में हूँ सर मैं। अच्छा, विजय विहार में मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं। सर मुझे अभी तो बस मुझे आपसे मुझे अब मुझे बस एक आप गिफ्ट दे दो मुझे, मैं सामने से मांग रहा हूँ, मुझे सेरेबेलम के सारे फैकल्टीज से मिलना है, अटैच योर फीट मुझे बस। आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, इससे बढ़िया तो क्या है। और मिलेंगे हम जरूर, मिलेंगे हम जरूर। और आप हाँ सर। वैसे दिल्ली बेस्ड ही हो ना? आप हाँ मैं नहीं सर, मैं बिहार से हूँ, बिहार में कहाँ से? बिहार से, मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, बहुत हाँ, बढ़िया। तो अभी एग्जाम के बाद वापस बिहार जाओगे या दिल्ली रहोगे? अभी मैं यहीं रहूंगा सर, अभी जब तक मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिल जाते, उसके बाद मैं डायरेक्टली पेरेंट के पास जाऊंगा वो अच्छा, पहले सर्टिफिकेट लेके। जी पेरेंट्स को रिजल्ट बता दिया तो उनके चेहरे की खुशी? सर, वन थिंग मेंशन, मेरे पापा 18 साल से मैं घर से बाहर हूँ सर, क्लास 6 से बाहर था मैं, अच्छा। और मैं कोटा में भी प्रिपरेशंस करता था, सब कुछ किया और बाहर गया फाइनली। मेरे पिताजी अभी तक कभी भी सर उनके आंख में आंसू नहीं देखा, कभी भी नहीं, ना मायूस। आज फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको इंसिस्ट किया वीडियो कॉल के लिए, सर फर्स्ट टाइम मैंने उनके आंख में आंसू देखा हूँ। और मेरे पिताजी एक्चुअली पैथोलैब है, लैब टेक्नीशियन है सर मेरे ओके फादर, तो ओके, आप समझ सकते हो कि उनका क्या इमोशंस होगा, बट आई नहीं नहीं कांट। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बातें सुन के सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये तुम ना पूरी लाइफ भूलोगे नहीं, नहीं सर, और बिल्कुल भी नहीं ये मोमेंट नहीं भूल सकते। सर। दूसरा तो बात आपके लिए, सॉरी फॉर इंटरप्ट, नहीं, बोलो जब मैं बोलो। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सेरेबेलम को ज्वाइन करके 146 पाया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि तुम ऑफलाइन करो, ये करो, वो करो, बट मुझे पता था कि कमी मेरे अंदर है, ना कि सेरेबेलम टीम में, ये बात मुझे अच्छे से पता थी। बस वो कमी इस बार दूर करके, वो जो 20-25 मार्क्स मेरे इंक्रीज हुए इस बार, वो उसी कारण से हुआ है। और मैं डेफिनेटली लिटरली सर मैं थैंक्स बोलूंगा सेरेबेलम टीम को।
नहीं नहीं वो थैंक रात में ही नोट्स आ जाना, फिर रात में, और सबसे सर इम्पोर्टेंट इस बार का एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, वन ऑफ द गेम चेंजर, लास्ट में जो आपने वो PYQ का जो 80-80 क्वेश्चंस का डाला आपने, इट्स अ ट्रेमेंडसली ट्रेमेंडस, वो मतलब आउट ऑफ ब्लो था वो चीज, क्योंकि वो कम से कम सर मुझे याद है 25 MCQ हुए थे वो, मतलब 25 डेज 1 डेज वाला, तो आप समझो सर 80 क्वेश्चंस पर डे हैं, तो आपके 1600 क्वेश्चंस आपके डेली हो जा रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लास्ट में लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। हम लिटरली उससे ये बेनिफिट हुआ कि हमें PYQ का कोई टेंशन ही नहीं हो रहा था, हम सिर्फ दिन भर नोट्स पढ़ते थे, मैराथन कर रहे थे, और रात को शिद्दत से सोने से पहले वो टेस्ट दे रहे थे, तो हमारे लिए कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा था वो। नहीं, जो एफर्ट आपने लगाया है ना डॉक्टर गोपाल, ये अब आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपने एक्चुअली पूरे तरीके से सेरिबेलम के जो प्रोडक्ट है ना उसको यूज कर लिया। टीचर्स तो हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज करना, इस्तेमाल करना और रिजल्ट में कन्वर्ट करना, वो तो सिर्फ डॉक्टर गोपाल कुमार ही करके दिखा सकते हैं। सर पता नहीं, मैं अभी रियलाइज लिटरली मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट जिस टाइम मैं रिजल्ट अपना सर्च कर रहा था सर, और मुझे नहीं पता GTCS क्या होते हैं प्रॉपरली और सीजर्स क्या होते हैं, वो सब मैंने आज फील किया हूँ। नहीं, आई कैन इमेजिन। देखो, नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आपने एक और कमाल किया है, आपने 1 4 6 में 4 और 6 को रिवर्स करके 1 6 4 बना दिया आज। हाँ सर, ये मेरा, ये मुझे पता नहीं, ये मेरा लिंक था ये आज, नहीं ये नहीं ये आपकी अचीवमेंट है, क्योंकि देखो 1 46 का मतलब है कि आप डिजर्व करते थे, बिल्कुल पास पहुंच के अपनी हेल्थ की वजह से रह गए, लेकिन उस पे दोबारा बैठ के पढ़ना और उसे दोबारा से करके दिखाना, ये तो एक बहुत बड़ी और अचीवमेंट। सबसे उसमें भी ट्रबल बात था सर, मैं अपने जब कॉलेज में था तो मेरे 5 दोस्त थे, उसमें से 4 पहले अटेम्प्ट में ही निकले, मैं सिंगल छूटा था, सो इट्स अ टू मच डिप्रेसिव, बट नहीं वो नहीं मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट किया सर, बहुत ज्यादा नहीं नहीं उन्होंने। मैं इमेजिन कर सकता और हूं। मैं एक और आपके लिए बताता हूँ सर, मैं आपको आज सेरेबेलम से नहीं, मैं उससे पहले भी जहां आप थे मैं उस टाइम से ही PSM आपसे पढ़ रहा हूँ, और अभी भी वही नोट्स है, मैंने आपके नोट्स चेंज ही नहीं किए हैं। क्या बात है, क्या बात है। वैसे देखो सब्जेक्ट चेंज भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा हाँ नहीं बैलेंस होते काम होता है। बिल्कुल, वो अभी भी मेरे वही नोट्स पड़े हुए हैं, मैं उसी में अंडरलाइन कर करके जो भी किया हूँ उसी में किया हूँ, और मैं लिटरली बोल रहा हूँ मैं PG में भी उसी को यूज करूंगा, मैं क्या चेंज बात, नहीं करने वाला वो क्या चीज। बात। तो डॉक्टर गोपाल से पार्टी कब मिलेगी मुझे? सर आप जब बोलो मैं अभी आ जाता हूँ, नहीं मेरे नहीं को अभी तो आप रेस्ट करो, एंजॉय करो, इस मोमेंट को एब्जॉर्ब करो, अगले 2 3 दिन खूब सेलिब्रेट करो। पार्टी मैं आपसे लूंगा नहीं, इस बार मैं आपको पार्टी दूंगा जब हम मिलेंगे। सर मुझे बस आप पार्टी मत दो, मुझे लिटरली मैं बोल रहा हूँ जितने फैकल्टीज हैं, मैं नाम नहीं ले सकता सारे, बट मुझे ईच एंड एवरी फैकल्टी से मुझे मिलना है सर, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके हर दिन के क्लासेज के बाद सर, मेरे जब GT में स्कोर कम होते थे, जब उनसे बात करता था GT में सर, मेरे कभी भी 160+ मार्क्स नहीं बने GT में, और मेरे GT में सर 140 के आसपास एवरेज मार्क्स 140 रहे हैं। बट प्रवीण त्रिपाठी सर से मैं जब भी पूछता था वो बोलते थे कि ये 140 भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम पेपर टफ बनाते हैं तेरे एग्जाम से, सेल्फ बिलीव रख और अपना काम किया कर। पता नहीं सर वो सारे काम वर्क किए हैं आज, अब मुझे ऐसा लगता है, पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल वही किया जो विराट कोहली ने वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में करके दिखाया था, वही मैटर करता है, और वही आपने मैटर करवा दिया आज। बस मुझे मिलवा दो सर सारे फैकल्टी से, आप मुझे नहीं यही नहीं गिफ्ट दे दो। जल्दी मिलेंगे डॉक्टर गोपाल। एंड में मैं दोबारा आपको एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से पर्सनल कॉन्ग्रेचुलेशन, सेरिबेलम की तरफ से पर्सनल कॉन्ग्रेचुलेशन कहना। और वाकई में आज मैंने काफी सारे इंटरव्यू लिए, लेकिन आपसे इंटरव्यू में बात करके मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि आपने जो कुछ बोला दिल से बोला। सर थैंक यू सर इसके लिए, एंड वंस अगेन थैंक यू सेरेबेलम टीम फॉर ईच एंड एवरीथिंग, आई कांट से इंडिविजुअली, ईच एंड एवरीथिंग, और उन सेरेबेलम टीम में सर जो बैक से होते हैं जिनको मैं बिल्कुल। नोट्स के लिए इरिटेट करते रहता था, नोट्स भेजो ये करो वो करो, सो थैंक यू उनको भी मेरे तरफ से, थैंक बिल्कुल। चलो डॉक्टर गोपाल कुमार, आप एंजॉय यू, करो अपने इस रिजल्ट को, सेलिब्रेट करो, और हम जल्दी मिलेंगे। टेक थैंक यू केयर। सर, आई होप सो हम बहुत जल्दी मिलेंगे, मैं बहुत बिल्कुल ज्यादा जल्दी, पागल हूँ मैं लिटरली मिलने के लिए, नहीं आई नहीं कांट से। बिल्कुल ठीक जल्दी मिलेंगे। है टेक केयर, ठीक बाय है, बाय थैंक यू सर, थैंक बाय यू। बाय।